बस हो गया बेबी। बेबी मेरे को थोड़ा सा शॉपिंग करनी है। भाई तो थोड़ी से के हिसाब से लो ना। ये तुम रख लो। क्या 100 रुपए 110? हाँ तुम अपना थोड़ा सा शॉपिंग करो, मेरे को ये जाओ एंजॉय इससे। चैनल आज थोड़ा सा लेट हो गया। आज हम लोग दोनों लेट सो के उठे हैं, दोनों के दोनों। और मैं तो इसलिए लेट उठी क्योंकि वही मेरी बॉडी बहुत सोर हो रही थी एक्सरसाइज करके ना, कल लेग्स मारी थी ना, इतनी हालत खराब है ना कि क्या बताऊं। मतलब बहुत टाइम के बाद अभी लेग्स पे कुछ आया है वेट्स, तो डेफिनेटली वो सोर हो गई। लेकिन ये आदमी इतना क्यों सोया मेरे को पता नहीं है। और ऊपर से उठने के बाद कह रहा है कि कोई ब्रेकफास्ट घर में नहीं करेगा, हम बाहर जाएंगे। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, अभी आता है तो मिलवाती हूँ मैं। ये क्या आया हुआ है? ये कुछ आया आए, मेरे को लग रहा है जूते आए हैं, शूज आए हुए यहाँ पे। मुझे लगता है जो अमेजोन से मंगाए थे। मतलब बाबा यो, मेरा बच्चा बॉल लेके आया है, खेली खेली करने वाला बॉल लेके आया है। भगवान करे ये शूज मुझे आ जाए, मेरे पास कुछ ऑप्शन हो शूज पहनने के। यही पहन के घूमती जा रही हूँ, है तो शूज ही। ओहो अमिता, ये तो बहुत सुंदर है यार। लेकिन अमिता ये आएंगे इसमें? नहीं सेम तो लग रही, थोड़ी सी छोटी है कि बड़ी है, सेम ही है। एक डाल के देखोगे इसमें? इतना कुछ ताम दबूड़ा है ना, भैया से कराती हूँ। अगर ये मुझे सेट आ गए तो मेरे पास एटलीस्ट एक और पेयर होगा। ब्लैक कलर जो मैं चाह रही थी वो नहीं मिल रहा है, बस ब्लैक कलर नहीं मिल रहा। लेकिन ये मोर लेस शूज तो वही है अमिता, देखना शूज तो वही है ना। हाँ, सेम ही है। लेकिन ये मुझे ज्यादा चौड़े लग रहे हैं कि खुल गए हैं ऐसा। ये चौड़े ज्यादा है, ये इतने चौड़े नहीं लग रहे। पहले हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कराए फिर उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ मेरा इतनी दर्द है ना बॉडी में, इतनी दर्द है कि क्या बताऊं। मतलब ये ना सब गए, चल ही नहीं पा रही हूँ। चिंचा नहीं जा पा, मम्मा नहीं जा पा रही है। चिंचा ने भैया की पेन खा ली, पापा की पेन खा ली। कोई नहीं उठा तो क्या कर रही है? ये जब कोई नहीं उठता ना हम में से तो ये अपना गुस्सा ऐसे ही निकालती है। कोई ना कोई चीज हमारी जो टेबल के साइड पे पड़ी है वो खा जाती है। तो जी मैं और बेबी निकल गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। बिल्लियों को खाना दे दिया गया है दोस्तों। बिल्ली की माँ आई है सुबह सुबह, खा के अपने बच्चों के पास चली गई। अब दिन भर के लिए उसकी हो गई शांति। और हम लोग का प्लान ऐसा है कि आज और कुछ काम दिख नहीं रहा है तो कोशिश ये होगी कि ब्रेकफास्ट करके कुछ प्लान किया जाए। तो ब्रेकफास्ट करते करते प्लान करेंगे और आपको बताएंगे क्या करना है। आज का थोड़ा सा चिल डे है, इस चिल डे में अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए। लेके क्या तुम बंदर का बच्चा? गोद में उठा के लेके जाऊंगा, बंदर का बच्चा है चिपका के लेके जाऊंगा, दोनों साथ में चलेंगे। लेके जाऊंगा का क्या मतलब? लेकिन मैं तो कुछ बैग बैग लेके नहीं आई। तो तुम्हारे बैग में ऐसा था क्या? फिर भी लिपस्टिक वगैरह लिपस्टिक खरीद लेंगे जहाँ जा रहे हैं वहीं से। अच्छा, थोड़ी देर में प्लान बनाते हैं, मेरे दिमाग में चल रहा है लेकिन एक बार कंफर्म हो जाए फिर आप लोगों को बताते हैं। हम लोग रास्ते में जा रहे थे, हमको एक चोर मिल गया किसी का पर्स लेके भागता हुआ। ऊपर को भागा बेबी, मेट्रो से भाग रहा है। ऊपर मेट्रो से भाग रहा है। ए, ए, इधर चोर है, वो चोर है, देखो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है वो। उसने कई ऑटो में घुसने की कोशिश की। हाँ, उसको ऑटो वालों ने भगा दिया, ऑटो वाला धक्का देके भागा है। पता है यार, किसी का कुछ चुरा के भागा है बेबी। हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, पता है कि हमने उसको देखा है करे नहीं, लेकिन कंफर्म तो पता चले ना वो चोरी है। लेकिन कुछ तो गलत करके भागा है वो, गलत करके उसके चेहरे पे था। एटलीस्ट 100 नंबर डायल करके तो बता दो हमने चोर को मेट्रो की तरफ जाते हुए देखा। अरे भाई, अगर वो चोर ना हो, वो किसी से बच के भाग रहा हो, कोई उसको मारना चाह रहा हो तो। नहीं नहीं नहीं, उसके हाथ में मैंने चीजें देखी है बेबी, उसके हाथ में मोबाइल और पर्स देखा है मैंने। उसका भी तो हो सकता है अपना। दोस्तों आप लोगों को ये तो बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हम आ गए मॉल में और आज फ्री है वक्त थोड़ा। मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था बिल्कुल। मैं लेके आया हूँ बेबी को, मतलब हम दोनों आ गए। हाँ जी, दे दो 60 रुपए दे दो बेबी जी। हम लोग आ गए हैं मॉल में, जैसे कि अविनाश ने आपको बताया, और मैंने बिल्कुल नहीं बोला है। लेकिन ये क्यों लेके आया मुझे नहीं पता, हो सकता है इसका मूड अच्छा हो। मेरा मूड हमेशा अच्छा रहता है, दिखता तो नहीं है। मुंह ऐसा है, मैं क्या करूँ ना। मुंह नहीं, तुम्हारे कर्म भी ऐसे ही है। नहीं, मेरा मुंह खराब है, मूड अच्छा रहता है। ऐसे नहीं बोलते, मेरा बेबी कितना प्यारा है। नहीं नहीं, प्यारा तो मैं था उस फेस पैक लगाने से पहले। अब मुझे लग रहा है कि मेरा मुंह गोरा कम पीला ज्यादा लगता है। नहीं नहीं, झूठ मत बोला करो। गाड़ी कहीं छांव में लगा देना यार, नहीं तो बैठते टाइम ना पिछवाड़ा जल जाता है पूरा। छांव कहाँ दिख रही है तुम्हें? कहीं देखो ना, छप्पर मॉल के अंदर ही घुसाड़ दूँ। छप्पर ऊपर के नीचे कुछ। छप्पर ही को छप्पर चाहिए,
गाड़ी के ऊपर शेल्टर चाहिए, चल तुझे मॉल लेके चलूं। अरे ना मेरे पास पर्स है ना मेरे पास कुछ है, पैसे हैं, खर्च नहीं, पर्स तो तुम्हें पहले से पता था मॉल आ रहे हैं तो तुम अपना पर्स छोड़ आई। आपको पता है, मुझे नहीं पता था, आपको पता ही बात। अरे तुम्हें सब पता यार, मैं सिर्फ अपना एक फुनवा लाई हूँ। तो जी हम लोग पहले जा रहे हैं शूज के शोरूम में, जो समोहना के पॉडियाट्रिस्ट ने सजेस्ट किया था कि वहाँ से आप एक बार शूज लेना तो शायद आपको ज्यादा अच्छे मिल जाए। अभी वहाँ देखते हैं, अगर मिलेगा तो एक जोड़ी जूता और ले लेंगे। अगर ब्लैक कलर मिल जाए तो और अच्छा मिल जाएगा, लग तो रहा है काफी है बेबी। ये देखो चौड़े चौड़े मुक्के, स्मार्ट भी है। इसका तो मुंह चौड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। ये UK 6 है, ये चल के देखो जरा, ये तो बहुत बड़ा ही लग रहा है। क्या बड़ा लग रहा है? प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। इस वाले में दिखाओ, उसमें तो 4 ही बचा है, बचा ही 4 है। तो जी 4-5 जूते यहाँ भी ट्राई कर लिए और कुछ नहीं मिला। अब तो तुम्हारे जूते खरीदने में मेरे को लग रहा है 12 महीने में से 3 महीने तुम्हारे जूते खरीदने में जाया करेंगे। नहीं मेरे को एग्जैक्टली पता है मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो फिर इतना टाइम कैसे लग गया एग्जैक्टली पता है तो क्योंकि वो साइज वगैरह देख रहे थे ना। इस वाली फिला में मैं पहले नहीं गई ना, फिला ने मेरा मन फील कर दिया। चलो H&M कपड़े से ज़्यादा ये भारी है, ऐसा लग रहा है 50 किलो का कुछ लिया मैंने हाथ में। अच्छा है लेकिन भारी है। मैं जी पूरा घूम ली, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। एक्चुअली ये जगह ना उन लोगों के लिए है जिनको मिक्स एंड मैच करना आता है, मुझे आता नहीं है। ये उनके लिए जगह जिनको प्रॉपर एक तरीके से ऐसा पहनेंगे उसके बाद ऐसा पहनेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं तो ऐसा पहनूंगी और वैसा हो जाएगा, इट्स नॉट फॉर मी। तो जी अविनाश ने भी कुछ नहीं लिया और मैंने भी कुछ नहीं लिया। मैंने एक ये लिया था मेरे ऐसे ही शोज के ऊपर, वो पहनने के लिए ना ओवर वैम्पायर का केप। हाँ, वो ऐसे केप इसलिए लिया था, मैंने कहा तुम कुछ खरीदोगे तो मैं भी खरीद लूंगी। मैंने तो 10 कपड़े ट्राई किए यहाँ के, जो क्लासिक कार्गोज मुझे पसंद है जो मैं हमेशा पहनता हूँ, उसमें साइज नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं यही छोड़ दूँ। अविनाश तो गायब हो गया है कहीं और मुझे जूते ढूंढते ढूंढते जूते भी नहीं मिले। अब मैं जा रही हूँ स्टारबक्स, देखती हूँ यहीं बैठ के उसका वेट करती हूँ, उसको फोन करती हूँ नीचे आ जाएगा, तब तक कुछ कॉफी वगैरह ऑर्डर करती हूँ। पैसे तो मेरे पास देखो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करूंगी अभी मैं। ओ कुछ तो अच्छा दिखा, रुको टी शर्ट दिखी है, अरे कितनी क्यूट टी शर्ट है देखो जरा, कितनी क्यूट टी शर्ट है, इसको मैं खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। जाती अंदर देखती एक नजर मारती। तो जी दोस्तों मैंने खरीद लिए जैक एंड जोन से 4-5 टी शर्ट। अब मैं ढूंढ रहा हूँ संभावना को कि वो कहाँ गई, मैं जूते ही देखती जा रही, जूते ही देखती जा रही जहाँ भी जा रही है। अरे तुमने तो कुछ नहीं लिया, तुमने यहाँ के हर दुकानदार का खून पी लिया पता है। वो सारे ग्रुप बना के बैठे, एक औरत आई है ऑरेंज सी टी शर्ट में, उससे दूर रहना, आ रही है सबको ट्राई कर रही है, सोल के सोल बदलवा रही है 50 जूतों में और फिर चली जा रही है। अरे जब जूते के मामले में तो कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। आज का दिन इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना सुकून वाला है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब जरूरी थोड़ी है कि शॉपिंग ही करो, शॉपिंग नहीं भी करके मजा तो आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो आपके बदले भी चीज मिल नहीं रही है इसलिए आप नहीं कर रही हो शॉपिंग, नहीं तो आप खा लो देर देती मॉल की। देख रही हूँ अगर कुछ मिल गया तो ले लूंगी। वाह लाइफ, लेकिन इन चीजों में नहीं है, लाइफ अपने घर पे है, सुकून अपने घर पे है, बच्चों के साथ। अभी बच्चों को मिस कर रही हूं। वही तुम्हें नहीं मिल रहा था इसलिए बाहर आई हो तुम, तुम्हें पता है कि बिल्कुल घर पे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा, बाहर चलो खून पी जाते हैं ना कभी कभी, लेकिन अब मैं चुनचा को बहुत मिस कर रही हूं, छोटा सा फोन लेके बैठी हूं। और आज तो बहुत नाराज थी वो, हम लेट उठे हैं ना, पेन खाया है मेरा, पूरा स्याही खराब कर दी पेन। अभी धोखा देके बाहर निकल आया, कभी ब्रेकफास्ट किया उसको लोगों को, ब्रेकफास्ट करते चलो आ जाएंगे तो, लेकिन उसके बाद हम आ गए, बहुत गलत किया घर चलो। तो मेरी कॉफी कहाँ है, घर तो मैं चलूँ, मुझे नहीं मिलेगी क्या? ये क्या मंगाया? क्या है? बुरशर्ट पैंट, बुरशर्ट पैंट नहीं, बुरशेता। बुरशेता कहाँ का कुजीन है? कहीं का तो है,
खा जाओ। ब्रेड के ऊपर टमाटर रखे हुए हैं। बस हो गया बेबी। बेबी मेरे को थोड़ा सा शॉपिंग करनी है। अरे वो थोड़ी से के हिसाब से लो ना, अपना पर्स लाई नहीं थी ना इसीलिए नहीं लाई थी ना। ये तुम रखे क्या? 100 रुपए ये रहे ना 110। हाँ तुम अपना थोड़ा सा शॉपिंग करो, मेरे को ये। बेबी तुम जानबूझ के अपना पर्स नहीं लाई हो, मुझे नहीं, पता है। नहीं मेरे को है नहीं, है नहीं, मैं जानबूझ के सब नहीं करूँगी। तुम जाओ अपना शॉपिंग करो, मैं ये 2000 के नोट मैंने रखे थे कि पेट्रोल भरवाऊंगा इससे। जाओ एंजॉय इससे, एंजॉय योर लाइफ बेबी। ठीक लग रहा है, बेस्ट है। आपका स्किन टाइप वैसा है ना, तो आपकी जा रहा है ऊपर, बहुत मैच हो रहा है। तो ये वाला भी निकाल दो एक, और मुझे कुछ अच्छा अच्छा दिखाओ ना प्लीज। मुझे थोड़ा सा ना फाउंडेशन वगैरह, व्हाट इज ऑल दिस दिखाओ ना। तो जी मैंने कुछ लिपस्टिक्स लिए हैं, लेकिन मुझे साथ में मिला है ये पाउच। फ्री फ्री फ्री, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं मेरे पहुँच से खरीद खत्म भी कर दिया ना, मैंने ले भी लिया जो लेना था। सुनो मैंने एक निकलेंगे मैंने एक एकदम अनवांटेड जैकेट ले ली है, लेकिन मुझे इतनी पसंद आई। अच्छा, मेरा दिल ही आ गया, पागल ही हो गया मैं, जबकि मैं उसे कभी पहन भी नहीं पाऊंगा, इतनी ठंड भी नहीं पड़ती है। घर जाके देखती क्या लेना जी। चलिए आप, हम लोग पहुंच गए घर, सामान आ चुका है, और सबसे पहले जाके घर होंगे बेबी के नए कैंपस के जूते जो कि डिलीवर हो चुके हैं। कौन से रंग के? ब्लू ना। ये क्या है? आपको ट्राई करने हैं, मॉल तो फेल हो गया, अब जो ऑनलाइन मंगवाए हैं उसको ट्राई करेंगे। 22 के लिए जूते लेना तो ठीक बिरबल की खिचड़ी जैसा हो गया। बाप रे बाप, वो दुकान वाला भी सोचता है जो पहना रहा होगा ना जूते की, सर पे फेंक के मारो इनके, 2 घंटे खा गए मेरे। मंचू तुम नहीं बोलोगे, मंचू मैं बोलती हूँ। स्मार्ट है बेबी, वेरी स्मार्ट। बेबी अब मेन बात वो है ना जो मैं चाह रही हूँ। नहीं नहीं आएगा, आना ही आना है। सेम डिट्टो, अरे सेम डिजाइन है भाई, ये देखो कोई कह दे कुछ भी फर्क है, बस ये 2-3 चीजें अलग ऐड की हैं, ये पट्टी नहीं लगाई है। नहीं बाकी तुम्हें वो चौड़ाई सेम लग रही है। हाँ लाओ इंसोल दो। डलिया क्या लग रहा है? परफेक्ट, आसानी से धुला है जब सो रही है। हे भगवान हे भगवान, बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले, क्यों बोल रही हो? मतलब हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए हो जाएंगे बेबी, लूज करना तो मेरे को बताना। आगे लग तो रहा है कि आगे लग तो रहा है, उतनी चौड़े बेबी आ जाएंगे, सेम शूज है यार, अब ब्लू तो सब पे जाएगा। बस भगवान का नाम लूंगी और फिर इन जूतों पे खड़ी होंगी। दूसरा बना दूं? हाँ बना दो। दूसरा जूता पहना जा रहा है, अब भगवान का नाम लेके एक वॉक मारो। उठो, सेम फीलिंग आ रही है दूसरे कैंपस वाली, सेम फीलिंग आ रही है ना? सेम, बेसिकली सारा प्रेशर तो यही है कि मेरे पैर पे नहीं आ रहा है। और जूते स्मार्ट बहुत लग रहे हैं बेबी, ब्लू तो ऐसा ना सब पे जाता है, क्योंकि आप डेनिम पहनो ब्लैक पहनो स्मार्ट लग रहे हैं बेबी, है ना? ये नई चीज इन्होंने ऐड की है ना इस पर, डार्क ब्लू की वो छोटी छोटी पट्टियां, वो अच्छा लग रहा है। अभी हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा हो भी, क्योंकि तुम इतना चली हो ना कि थोड़ी थकान होगी। अब मेरे को थैंक्स बोल दो, मैंने मंगाए थे ना। थैंक यू बेबी, थैंक यू। दो जूते हो गए 1500 रुपए के थे बेबी। नहीं बेबी, महंगे थे, महंगे थे, 1600 के थे। 1600 के थे। अमिता आ गए जूते, ये देख कैसे लग रहे हैं, सस्ते जूते हैं लेकिन एकदम बराबर। मेन बात ये है कि मेरे को आगे पंजे पे प्रेशर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। बेबी अगर ये किसी ने मुझे पहले बोल दिया होता तो शायद मेरे पैर की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाँ तुमने शुरू से अपने पैरों को ना गुचड़ा मुचड़ा के जूतों में डाला है, तो वो पैर बिगड़ गए लग रहा है। बहुत बुरा हुआ मेरे पैर के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब सही करेगा बेबी। ये जूते तो आ गए, अब इस हिसाब से हमको ये पता है कि अगर हमको इसमें और कोई कलर चाहिए तो हमें मिल सकता है। नाउ वी नो दैट, लेकिन ये परफेक्ट जूते हैं बेबी। हाँ उसी बात पे। Cheers।